फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक धर्म क्षेत्रे गुरु क्षेत्रे संवेता युच्छव मामक पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये श्लोक मैंने लर्न किया था 2.5 साल की उम्र में। उस टाइम तो मैं स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि मैंने जब ये श्लोक याद किया और अपने गुरु महाराज हिजलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज को जब ये श्लोक मैंने सुनाया तो महाराज को अच्छा लगा। तो महाराज ने कहा कि अरे तुमने ये श्लोक कहाँ से किया। मैंने संख्या बताया और जब ऐसे बताया तो महाराज को अच्छा लगा मेरे गुरु महाराज को। मेरे गुरु महाराज ने कहा और सारे ऐसे श्लोक करो। यह है 10 वर्षीय माधव दास वृंदावन का एक अद्वितीय बालक जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। माधव की मेमोरी इतनी शार्प है कि इसने 21 ग्रंथों के लगभग 3100 श्लोक कंठस्थ कर लिए हैं। जो भी उनके मुख से श्लोक सुनता है वह उनका दीवाना हो जाता है। तब 2.5 साल में मैंने एक श्लोक था धर्म क्षेत्रे भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक धर्म क्षेत्रे गुरु क्षेत्रे संवेता युच्छव मामक पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये श्लोक मैंने लर्न किया था 2.5 साल की उम्र में। उस टाइम तो मैं स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि मैंने जब ये श्लोक याद किया और अपने गुरु महाराज हिजलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज को जब ये श्लोक मैंने सुनाया। माधव का जन्म वृंदावन में हुआ और 2.5 साल की उम्र से ही उन्होंने ग्रंथों के श्लोक बोलना शुरू कर दिया था। उनके घर वाले इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। हमने काफी दुःख और परेशानी झेली, लेकिन माधव की इस अद्भुत प्रतिभा ने हमारी सभी मुश्किलों को दूर कर दिया। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते उस उम्र में माधव ने श्लोक बोलना शुरू कर दिया था। मैंने ये देख लिया है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था। मैं IAS MPPCS तैयारी कर रहा था ग्वालियर में, लेकिन मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं और बहुत सारी नौकरियों में ट्राई किया तो एक दो मेरे एग्जाम क्लियर हो जाते थे, लास्ट टाइम फाइनल में रह जाता था। तो मुझे मेरे जो मिलने वाले सब कोई जज है कोई कुछ है, मेरे क्लासमेट अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं सब, कोई जनपद है कोई लीडर बन गया। तो उन लोगों ने पूछा आप हम सबसे इंटेलिजेंट हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगता था कि राधा रानी कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ था। तो आज मुझे पता चला जब वृंदावन आया। अब माधव केवल वृंदावन तक सीमित नहीं है, उन्हें विदेशों से भी बुलावा आने लगा है, जहां वे भागवत कथा और गीता का ज्ञान देकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। माधव का कहना है कि उनकी इस अद्भुत क्षमता के पीछे प्रभु और राधा रानी की कृपा है। उन्होंने किसी से औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, बल्कि यह सब स्वयं ही सीखा है। मैंने जो भी सीखा है वह सब प्रभु की कृपा से सीखा है। महाराज को अच्छा लगा मेरे गुरु महाराज को। मेरे गुरु महाराज ने कहा और सारे ऐसे श्लोक करो, और मेरे पिताजी से कहा कि तुम इन पर ध्यान करना। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ 5 साल का हुआ तो मेरे पिताजी ने कहा कि मनुष्य जन्म पाईया राधा कृष्ण ना बजिया जानिया सुनिया बिशकाइन। मनुष्य जन्म मिला है राधा और कृष्ण का भजन नहीं किया तो जानबूझकर विष खाने के बराबर है। जब इस प्रकार जब मेरे पिताजी ने बोला तो मैंने फिर 5 वर्ष की आयु 50-50 श्लोक याद करने प्रारंभ कर दिए। और फिर मेरे को ऐसे करके 2000 श्लोक याद हो गए। और फिर मेरा इंटरव्यू हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के साथ हुआ, और अमोघ लीला प्रभु जी जो थे उनसे बहुत बड़े वैष्णव हैं, वो इस्कॉन द्वारिका के प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद मैंने और ऐसे कर कर के श्लोक किए और मेरे फिर 3100 श्लोक हुए। प्रभुपाद के आशीर्वाद और राधा रानी की कृपा ने मुझे यह सब पढ़ने का अवसर दिया। माधव का सपना है कि वे एक दिन भगवताचार्य बने और लोगों को गीता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। माधव की यह यात्रा केवल एक बच्चे की नहीं बल्कि भक्ति समर्पण और अद्भुत प्रतिभा की कहानी है। लोकल 18 के लिए निर्मल कुमार राजपूत की रिपोर्ट।